स्टूडेंट्स, हम अब आते हैं एक्सरे स्टडीज़ ऑफ बेंजीन स्ट्रक्चर। ये एक्सरे स्टडीज़ जो है, इनके मुताबिक बेंजीन जो है उसका रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ये आपको इधर नज़र आ रहा है, और इसमें सारी की सारी कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है वो सेम है। कार्बन बॉन्ड लेंथ कितनी है? 1.397 ऑंगस्ट्रॉम, जबकि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ वो भी सारी की सारी सेम है, वो है 1.09 ऑंगस्ट्रॉम। इन सब के दरमियान एंगल 120 डिग्री है। ये सारी चीज़ें जो है वो एक्सरे एनालिसिस से कंफर्म हुई, यानी एक्सरे को बेंजीन के मॉलिक्यूल पे फेंका गया और उससे मिलने वाली जो भी मालूमात थी उनको यूटिलाइज करके ये सारी इन्फॉर्मेशन क्रिएट की गई। अब हम आते हैं ऑब्जेक्शन टू क्यूल फार्मूला। क्यूल फार्मूला सारा का सारा ठीक नहीं था, इसमें काफ़ी जो है वो कुछ ड्रॉबैक्स थे। वो ड्रॉबैक्स क्या हैं? सबसे पहला ड्रॉबैक तो ये है कि क्यूल जो है उसने, देखें, ये जब बेंजीन बनाई तो उसने कहा कि इसमें, उसने ये भी कहा कि जी रेगुलर हेक्सागोन है, लेकिन अगर आप देखें तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ में फ़र्क होता है। कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो छोटा है, कार्बन सिंगल बॉन्ड जो है वो बड़ा होता है। तो रेगुलर हेक्सागोन नहीं होना चाहिए था बेंजीन को, बेंजीन को कुछ ऐसा होना चाहिए था, ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड थोड़ा बड़ा, फिर डबल बॉन्ड छोटा, फिर सिंगल बॉन्ड थोड़ा सा बड़ा, और फिर ये डबल बॉन्ड थोड़ा सा छोटा। तो बेंजीन वाज नॉट रेगुलर हेक्सागोन अकॉर्डिंग टू क्यूल। रेगुलर हेक्सागोन तो नहीं हो सकती थी, अगर डबल और सिंगल बॉन्ड मौजूद हैं अपनी अपनी जगह पे तो फिर जो है डबल बॉन्ड को छोटा होना चाहिए और सिंगल बॉन्ड को थोड़ा सा लंबा, और ऑल्टरनेट मैनर में अगर जुड़े। अच्छा, इसमें उन्होंने क्या कहा है जो आपकी बुक में है ऑब्जेक्शंस, उसमें उन्होंने कहा है कि क्यूल फार्मूला विद थ्री डबल बॉन्ड्स डिमांड्स हाई डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन फ्रॉम बेंजीन वाइल यूजुअली इट एग्जिबिट्स अ सैचुरेटेड करेक्टर। वो कह रहे हैं कि अगर क्यूल के फार्मूला के मुताबिक डबल बॉन्ड्स ज़्यादा हैं तो बेंजीन जो है उसको अल्कीन्स की तरह बिहेव करना चाहिए है, लेकिन बेंजीन जो है वो अल्काइन्स की तरह जो है वो अल्कीन्स की तरह बिहेव करती है। आगे क्या है कि तमाम की तमाम जो है बेंजीन, दस बेंजीन यील्ड सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स रेडली एंड फॉर्म एडिशन रिएक्शंस। बेंजीन इज़ आल्सो वेरी स्टेबल कंपाउंड। ऑल दीज पोजीशंस ऑफ बेंजीन कैन बी एग्जैक्टली एक्सप्लेन यूजिंग मॉडर्न थ्योरीज। अब मॉडर्न थ्योरी जो है वो क्या बताती है? मॉडर्न थ्योरी हमें ये बताती है कि बेंजीन जो है उसके अंदर सिक्स कार्बन है। एक इधर कार्बन बनाएं, एक इधर, इधर, इसके बाद तमाम के तमाम कार्बन इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो है उनका जो हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर होता है वो जस्ट लाइक फैन। ये एक फैन आपने इधर बनाया इस तरह से। अब हर कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज मतलब इनके अंदर एंगल है 120 डिग्री, ठीक है। ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इधर आपको हेड टू हेड ओवरलैप नज़र आ रहा है, sp2 से ओवरलैप कर रहा है, और sp2 और सिग्मा बॉन्ड बन रहा है sp2, दो sp2 के दरमियान, ठीक है। ये भी सारे के सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, और हर sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, और एक इलेक्ट्रॉन इधर। ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में ओवरलैप करेंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। एक इधर इलेक्ट्रॉन है, एक इसका इलेक्ट्रॉन, एक इसका, ये दोनों ओवरलैप करेंगे सिग्मा बॉन्ड इस तरह से। इसका sp2 इसके sp2 के साथ ओवरलैप करेगा, हेड टू हेड ओवरलैप है, और सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये इसका sp2 है इस वाले कार्बन का, दूसरा sp2, ये तीसरा, और ये आखिरी कार्बन का sp2 है। सबके जो अब एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो जो है एम्प्टी है। इधर आके हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा और सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इधर भी हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल आके ओवरलैप कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है।
इधर भी हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल आके ओवरलैप कर रहा है सिग्मा बॉन्ड में, इसको हम कहेंगे सिग्मा फ्रेमवर्क ऑफ बेंजीन। ये सारा का सारा सिग्मा फ्रेमवर्क है बेंजीन का। आपको ये मॉलिक्यूल ऑर्बिटल डायग्राम बनानी आनी चाहिए। मैंने इस डायग्राम को एक्सप्लेन किया, इधर वाली ये वाली जो डायग्राम है इसको एक्सप्लेन किया बना के सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं और इसके साथ हाइड्रोजन जो हैं वो सिग्मा ओवरलैप करते हैं हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल्स। तो इस तरह से जो अगर हम बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो सिंपल स्ट्रक्चर जो है वो ये बनेगा कि बेंजीन के अंदर अभी हमने सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, रेगुलर हेक्सागोन है कार्बन और साथ सिंगल बॉन्ड विद हाइड्रोजन। अभी हमने डबल बॉन्ड को डिस्कस नहीं किया, ठीक है। दिस इज सिग्मा फ्रेमवर्क। अब हम आते हैं इसके पाई फ्रेमवर्क की तरफ। इसी जो बेंजीन है उसको थोड़ा टेढ़ा कर लें और लैंडस्केप में ले आएँ, यानी ये जो बेंजीन है आपको खड़ा वो मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है इसको थोड़ा बिठा लें। लैंडस्केप मतलब पहले हमने बेंजीन को ऐसे ड्रॉ किया था, अब हम लैंडस्केप में क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि अभी इसमें एक चीज़ मौजूद है वो है अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल। हर कार्बन जो है उसका सिग्मा फ्रेमवर्क तो आपने बना लिया, पाई फ्रेमवर्क का भी रहता है। हर जो जो है ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल उस पे हर कार्बन पे पी ऑर्बिटल मौजूद है 2pz ऑर्बिटल। हर पी ऑर्बिटल जो है उसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इस तरह से। अब ये सारे जो है हमने 2pz ऑर्बिटल्स बनाए हर कार्बन के ऊपर, छः कार्बन है, छः कार्बन के ऊपर छः 2pz है, हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये ऊपर से ओवरलैप करेंगे, और नीचे से भी ओवरलैप करेंगे, और एक डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड बनाएंगे। आपने एल्कीन्स में जो पाई बॉन्ड बना पड़ा है वो तो सिर्फ दो पी ऑर्बिटल्स के दरमियान होता है, वो होता है लोकलाइज्ड पाई बॉन्ड। जबकि ये जो पाई बॉन्ड है ये है तो पाई बॉन्ड ही लेकिन डीलोकलाइज्ड है। इट कवर्स 6 कार्बन एटम ऑफ बेंजीन अबव एंड बिलो द बेंजीन रिंग, डीलोकलाइज्ड पाई ऑर्बिटल। अब आपकी बुक में थोड़ा सिंपल करके इसको दिखाया गया है, यानी उन्होंने ये हेक्सागोन बना दी है और इधर एक गोल दायरा बना दिया है। ये डीलोकलाइज्ड पाई ऑर्बिटल अबव द रिंग है, इट इज़ डीलोकलाइज्ड पाई ऑर्बिटल बिलो द रिंग, ठीक है। आप इसको स्टडी करें खुद।